किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और वक्त निकाल कर खुद हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में है हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी में सर, और आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने देखा है कि जब भी आप मंच पर होते हैं तो बहुत ही सीरियस रहते हैं, लेकिन आपकी जो बातें होती हैं वो लोगों को गुदगुदा देती है और हंसने पर मजबूर कर देती है। तो कैसे करते हैं सुरेंद्र जी ये चमत्कार? मेरा मामला ये है अन्ना, आदमी को अपना काम सीरियस नहीं करना चाहिए जी। क्या वो हंसी का ही? हम सीरियस काम को भी हंसी में करते हैं, इसलिए काम नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है, अपने काम के प्रति सीरियसनेस होनी चाहिए, चाहे कोई भी। मैंने आपको बचपन से देखा है, और खासकर क्या है कि जब हम छोटे थे तो पापा जब देखते थे टीवी पे आपको, और कई बार होता है ना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे से रहते हैं तो उनको कार्टून पसंद आता है, लेकिन आपकी जो बातें ऐसी रहती थी कि हम लोग रुक जाते थे सुनने के लिए, और आपका जो दायरा है मतलब हर ग्रुप को आप इम्प्रेस कर देते हैं और हंसने पर मजबूर कर देते हैं, चाहे वो बच्चा हो, फिर चाहे वो युवतियां हो, चाहे वो घर की महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, तो कैसे ये सब चलता रहता है? अब लोग मेरी बेवकूफी की बातों पर हंसते हैं तो उन पर तरस ही खा सकता हूँ। इस पे मुझे भी हंसी आ रही है अभी। ओशो महोत्सव अभी 3 दिन यहाँ पर जबलपुर शहर में हो रहा है, उसमें आपको इनवाइट किया गया है लोगों को हंसने, गुदगुदाने और खिलखिलाने के लिए, तो क्या खास रहेगा ओशो महोत्सव में? ओशो इस देश का क्या संसार का सबसे बड़ा विचार है जी, और किसी भी ने उसकी कीमत नहीं पहचानी। अगर आज ओशो के विचारों को पूरे संसार में जान लिया जाए तो ना हम हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे, ना सिख रहेंगे, हम सिर्फ इंसान। ओशो एक स्वीपर जो हमारे अंदर की गंदगी को साफ करता है। बाहर की गंदगी तो सब साफ कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर की गंदगी को, जो हमारे अंदर कट्टरताएं भरी हुई है धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति जी, ओशो उनको निकालने का काम। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी 3 कविताएं उस समय को दी। क्या बात है। वैसे आपने बहुत सारे मंचों पर प्रस्तुतियां दी हैं, ऐसा कौन सा खास मंच रहा जहां पे पब्लिक आपको बहुत अच्छी लगी और आपको अपनी प्रस्तुति देने में बड़ा मजा आया? मुझे कोई ऐसा मंच नहीं लगता, मुझे लगता कि सब मंच एक जैसे। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि आप अपनी प्रस्तुति मन से करोगे तो मन तक पहुंचेगी, मुंह से करोगे तो मुंह तक पहुंचेगी, दिमाग से निकल जाएगी चीजें। तो होता यही है कि जब कलाकार को पैसा नहीं मिलता तो मन से गाता है जी। जब पैसा मिलता फिर मुंह से गाता है, और ज्यादा पैसा मिलता तो सिर्फ लिप मूवमेंट करता है। तो सबसे बड़ी जो बात होती है, आप अपने पूरे 100% कंसंट्रेशन से अगर परफॉर्म करेंगे तो 100% लोगों तक जाएगा। आज के समय में आप बहुत सारे रियलिटी शोज देख रहे होंगे, उसमें कवि आ रहे हैं, बहुत सारे कवि आ रहे हैं, और आजकल जो बच्चे हैं वो भी लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं कि कवि बनने के लिए साहित्य को जानना जरूरी है, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसको अपनी नज़र से दूसरों को बताना जरूरी है, कितनी तैयारी करनी होगी आज के कवियों को अगर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? पहली बात तो कवि बना नहीं बस जी, सारी कलाएं मशहूर है, बड़ी है, नृत्य है, वाद्य संगीत है, बहुत बड़ी कलाएं मानी जाती है जी, क्योंकि उनका आकाश पूरा विश्व होता है। बिल्कुल, भाषा की जरूरत। कविता मैं हिंदी में लिखता हूँ तो मेरा आकाश बहुत छोटा है, जो हिंदी जानते हैं वो जानते हैं, पर कविता इसलिए बड़ी हो जाती है सब कलाओं से कि वो सारी कलाएं सिखाई जा सकती है, कविता नहीं सिखाई जा सकती। बिल्कुल। तो जो रियलिटी शोज आ रहे हैं आप कैसा मानते हैं उनको आज के जनरेशन के लिए, कितना उचित मानते हैं? उनकी TRP कल्चर के कपड़े उतारने से बढ़ती जी, हमारी TRP कल्चर को कपड़े पहनाने से जी, वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, हम वो सुनाते हैं जो पब्लिक को सुनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है।
और खासकर जो लोग देख रहे हैं कि आज के रियलिटी शो में बनने के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और उन्हें बाध्य करते हैं कि देखो वो बच्चा कवि बन गया है, लेकिन उनकी जो वोकैबुलरी रहती है, उनकी जो भाषा रहती है, वो वाकई आपने सही कहा कि कपड़े उतारने वाली होती है, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी है वो चार लाइनें बोल रहा है किसी महिला पर, तो आप पब्लिक के साथ, आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने में कतराते हैं, क्या कहेंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगे पर भी कमाई मत करो। जी, जबलपुर शहर में कितने बार आपका आना हुआ? मैं अतीत में नहीं जाता, कभी आगे देखता हूँ, नपुंसक कौम में अतीत की ओर जाती। तो शहर कैसा लगता है आपको? शहर तो बहुत सुंदर है, बहुत जलवायु बहुत अच्छी है, पीसफुल है, साफ सुथरा, स्वच्छ है, फिर भेड़ा घाट की तरफ जाती है, अपने आप में अपना अलग सौंदर्य। ये इसकी प्रगति तो इसके जो लोकेशन है उसकी वजह से मारी गई। यहाँ पर टोटल वो रखा जाता, कनेक्टिविटी भी है पूरे देश से इसकी, हवाई जहाज भी एक आ जाती, जब तक कनेक्टिविटी पूरी नहीं होती तो कोई भी विकास संभव नहीं होता। एमपी टूरिज्म को आगे बढ़ावा देने के लिए भी ये जो महोत्सव है उसको एक पॉजिटिव सेंस में गवर्नमेंट देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप एमपी गवर्नमेंट को? जैसे कि आपने कहा कि कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ये कनेक्टिविटी यहाँ की सरकार के हाथ में है, भारत सरकार के हाथ जी। एयरपोर्ट बड़े बने, लोग एयरपोर्ट जुड़ जाएंगे तो अपने हाथ में जी। प्रयास हमको करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार को, राज्य सरकार को प्रयास सफल नहीं होंगे ना, राज्य में कोई सरकार है बाहर वहाँ कोई सरकार है जी, तो ये जो दिक्कतें हैं ये हर एक सरकार के साथ, यहाँ भाजपा की होगी, केंद्र में कांग्रेस की होगी, तो वो दिक्कत पैदा। लेकिन बात अगर हम करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या कहेंगे आप? जो उन्होंने कहा है उस पर कोई विश्वास करेगा क्या? जी, उन्होंने तो ज्यादा 15 लाख देंगे जी। तो जो आप कहते हैं इस देश के नेता को जितना कर पाए जी उससे आधा कहना चाहिए, मूर्त रूप में वो हो, ये निर्णय होना चाहिए, ज्यादा बोल बड़बोला पना करने से लोग आपसे आशाएं उतनी रखते और फिर आप उसके मुकाबले में उतर नहीं सकते, क्योंकि आप बोल ऐसा जाते कि वो किया नहीं जा सकता। जो भी कैंडिडेट हो उसको उतना बोलना चाहिए जितना वो कर सके उसकी क्षमता। सुरेंद्र शर्मा जी जैसे मंच पर होते हैं, क्या परिवार और दोस्तों के बीच में भी एज इट इज ही रहते हैं? मैं कहीं भी रहता हूँ मैं अपने मुखौटा नहीं बदलता, वैसे ही रहता हूँ जी। आज भी मेरे दोस्त जो है 60 साल के हैं, 65 साल के हैं। जीवन का आपका कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक सबसे यादगार लम्हा एक जी, वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया, मेरे पैदा होने का लम्हा। तो मैं चाहूंगी कि संस्कारधानी जबलपुर शहर के जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ओशो महोत्सव में जबलपुर शहर आए? जैसा कि आपने कहा कि शहर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी यहाँ देखने को नहीं। ओशो के इस शहर में एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी संदेश देने वाले हैं उसे बचकर जी अपने खुद के निर्णय, किसी का अनुयायी नहीं बनो, ऐसा काम करो कि लोग आपके अनुयायी, किसी के अनुयायी मत बनो, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके अनुयायी बने। और एक चीज बहुत अच्छी मैंने देखी कि जो है सो है। सुरेंद्र जी जैसे मैं इनसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने इनसे बात की उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मुखौटा नहीं पहनता, जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ भी रहता हूँ, परिवार के साथ भी रहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत बहुत मुझे प्रसन्नता हुई है और जबलपुर शहर में आपका आगमन हुआ। यूँ तो आप आते रहते हैं मैंने देखा भी, और बचपन से मैंने आपको देखा है,
आपकी कविताएं सुनी है मंच पर, चाहे वो मेरे पिताजी के साथ बैठकर देखने की बात हो या मेरी माताजी के साथ। और कई बार ऐसा होता था कि माताजी और पिताजी दोनों बैठे रहते थे, और जब बात महिलाओं की बात हो जाती थी तो फिर इसके बाद ये होता था कि आप पुरुषों पे भी बोलेंगे, तो एक दोनों की कमेंट्री होती रहती थी और हम लोग सारे भाई बहन बैठ के देखते रहते थे, वो माहौल बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज के रियलिटी शो में अगर आप जाएंगे वो चीज देखने को नहीं मिलती। परिवार जो शब्द है वो आज धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली है वो कम होता जा रहा है। क्या कहें, जब से मोबाइल आया है जी, मोबाइल ने क्या काम किया, एक ही काम किया, दूर वालों को पास दिया है, पास और वालों को दूर कर। हम तीन लोग साथ में खाना खा रहे हैं, होटल में खा रहे, घर में खा रहे, हर एक अपने मोबाइल से बात, तो पास वाले दूर होते चले गए, दूर वाले पास। ये है कि वक्त निकाल कर मिलना चाहिए लोगों से, और मेरे ख्याल से मोबाइल का यूज उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मिसयूज ज्यादा हो रहा है मोबाइल का या इंटरनेट का। आदमी अपना 2-2.5 घंटे आराम से मोबाइल यूज़ कर, उससे ज्यादा हर एक मिनट बाद आप देखो कोई मैसेज नहीं आया, किसी का मिस कॉल तो नहीं आया, अपडेट्स क्या है। आपसे मिलकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, और रेवा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।